बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या है कि लेट वी बी द रियल वेक्टर स्पेस। वी क्या है? एक रियल वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल फंक्शंस। रियल वेक्टर स्पेस का मतलब यह है कि इसके जो मेंबर्स हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स नहीं हैं। डिफाइंड ऑन आर इन टू आर, डिटर्मन वेदर द गिवन वैक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। हमने ये बताना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट हैं वी के अंदर। ठीक है जी, तो बारी बारी हम तमाम जो ये पार्ट्स दिए गए हैं उनको चेक करेंगे कि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखते हैं, एक्स कॉज एक्स। ये दो वेक्टर्स हैं, हम क्या करेंगे, दो जो है वो वेक्टर्स हैं हमारे पास, तो हम ए बी बिलोंग्स टू आर लेके हम इसकी लीनियर कम्बिनेशन को कंसिडर कर लेते हैं। वो क्या कि ए एक्स प्लस बी कॉज ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अच्छा, अब ये तमाम एक्स की वैल्यूज़ जो हैं, एक्स बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, अब इसमें आप जो है वो इससे हम जो है वो क्या करेंगे, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके जो है वो डिफरेंट इक्वेशंस ले लेंगे और उनको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर ए और बी की वैल्यू जो है वो दोनों ज़ीरो हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और एक भी नॉन ज़ीरो आ गई तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। उसके लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि फॉर एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देखें दो अननोन हैं तो दो कंडीशंस हमें चाहिए। एक x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, a ज़ीरो प्लस b cos ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ज़ीरो हो गया, b cos ज़ीरो वन है, तो यहाँ से जो है वो स्टूडेंट्स b किसके इक्वल आ गया, b इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया। फिर हम क्या करते हैं, फॉर x इज़ इक्वल टू पाए बाय टू, एक्स की जगह पे हम वैल्यू जो है वो इसमें पाई बाय टू पुट करेंगे तो हमारे पास एक और इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। तो पाई बाय टू पुट करें, ए पाई बाय टू प्लस बी कॉज पाई बाय टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ए पाई बाय टू कॉज पाई बाय टू ये ज़ीरो है इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये पाई बाय टू ए प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ए भी किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ए भी ज़ीरो है इस लीनियर कम्बिनेशन के अंदर और बी की वैल्यू भी जो है वो क्या है, ज़ीरो है। ए बी बोथ आर ज़ीरो, सो द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये है कि वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है कि साइन स्केयर एक्स कॉज स्केयर एक्स और कॉज ऑफ टू एक्स। अच्छा, अब ये तीन वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर को अगर बाकी दो वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाए तो वो भी वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते। यानी कि एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन में अगर लिख लें तो वो क्या होते हैं, वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। अब हमें जो है वो स्टूडेंट फार्मूला पता है, और वो फार्मूला क्या है कि कॉज ऑफ टू एक्स किसके इक्वल होता है, कॉज स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स। तो ये बेसिकली जो है वो कॉज ऑफ टू एक्स, कॉज स्केयर और साइन स्केयर की क्या बनती है, लीनियर कम्बिनेशन बनती है। किस तरह लीनियर, के यहाँ पे ए की वैल्यू वन है और इधर बी की वैल्यू माइनस वन है, तो इसका मतलब दी वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, दी वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। दूसरा ये तरीका है कि उसी तरह जैसे हम जो है वो लीनियर कम्बिनेशन कंसिडर करते हैं तो इसकी भी आप क्या कर सकते हो, लीनियर कम्बिनेशन कंसिडर करके वहाँ से जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके इक्वेशंस आएंगी और उनसे आप सॉल्व करोगे तो ए बी सी तीनों की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो नहीं होंगी क्योंकि अब ये लीनियरली डिपेंडेंट है, कम अज़ कम एक वैल्यू लाजमी नॉन ज़ीरो होगी, उस वजह से हम कहेंगे कि ये वैक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जो है वो चार वेक्टर्स गिवन है, एक है साइन एक्स कॉज एक्स साइन हाइपरबॉलिक एक्स और कॉज हाइपरबॉलिक एक्स।
तो हम इसकी लीनियर कम्बिनेशन कंसिडर करके हम चेक करेंगे कि वैक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट है। उसके लिए जो चारों वैल्यूज़ हैं ए बी सी डी की, वो ज़ीरो के इक्वल आनी चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए। तो हम लेट कर लेते हैं ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, कंसिडर द लीनियर कम्बिनेशन ए साइन एक्स, बी कॉज एक्स, सी साइन हाइपरबॉलिक एक्स, डी कॉज हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है वो क्या पुट करते हैं, फॉर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करें, तो ए साइन ज़ीरो, बी कॉज ज़ीरो, सी साइन हाइपरबॉलिक ज़ीरो, डी कॉज हाइपरबॉलिक ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, कॉज ज़ीरो वन के इक्वल होता है, साइन हाइपरबॉलिक भी ज़ीरो, कॉज हाइपरबॉलिक वन, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गई बी प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, बी प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, एक रिलेशन आ गई। फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग वन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, ए साइन का डेरिवेटिव कॉस, और कॉस का जो है वो क्या आएगा साइन, साइन हाइपरबॉलिक आएगा कॉस, और कॉस हाइपरबॉलिक आएगा साइन इज इक्वल टू ज़ीरो। और फिर हम क्या करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ए कॉस ज़ीरो माइनस बी साइन ज़ीरो, सी कॉस हाइपरबॉलिक ज़ीरो, डी साइन हाइपरबॉलिक ज़ीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। कॉस ज़ीरो क्या होता है, वन माइनस ये ज़ीरो हो गया, ये सी ये वन और ये भी ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, और इस तरह ए प्लस सी किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो, तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन। चार अननोन हैं स्टूडेंट्स, हमने जो है वो चार ही वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फिर हम क्या करते हैं, इसको जो है वो टू कह लें, तो डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या है, डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब हम टू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये फिर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इसमें इसको डिफरेंशिएट करें तो माइनस ए साइन एक्स, माइनस ए साइन एक्स, फिर माइनस बी साइन एक्स, माइनस बी सॉरी कॉज एक्स, और कॉज हाइपरबॉलिक साइन हाइपरबॉलिक के इक्वल होता है, प्लस सी साइन हाइपरबॉलिक एक्स, प्लस डी कॉज हाइपरबॉलिक एक्स, डी कॉज हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, फॉर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर लेते हैं, इसमें पुट करो तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये डी आ जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि बी माइनस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको आप सी इक्वेशन कह लें। इस तरह स्टूडेंट्स जो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं उनको मैं इधर साइड पे लिख लेता हूँ, और वो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं, एक इक्वेशन आई है बी प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, दूसरी आई है ए प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आई है बी माइनस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इसको ए कहा था, इसको इक्वेशन बी और इसको सी। अब हम क्या करते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं और आगे हम एक और इक्वेशंस जो हैं वो फाइंड करते हैं। अब उसके लिए क्या है, इसको डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो ये आ जाएगा माइनस ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉज हाइपरबॉलिक एक्स प्लस डी साइन हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करोगे, एक्स की जगह पे ज़ीरो वैल्यू पुट कर दोगे, फॉर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस ए कॉज ज़ीरो, बी साइन ज़ीरो, सी कॉज हाइपरबॉलिक ज़ीरो, डी साइन हाइपरबॉलिक ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। कॉज ज़ीरो वन होता है, माइनस ए साइन ज़ीरो ज़ीरो, ये सी,
ये ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ए माइनस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, ए माइनस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम डी कह लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, हमने इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू जो है वो लिखनी है, चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। अब अगर हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करें, बी प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, बी माइनस डी इज इक्वल टू ज़ीरो ऐड करें तो ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल, तो टू बी इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस b की वैल्यू किसी एक में पुट कर दें, b प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो 0 प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो d इज इक्वल टू b क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह इन दोनों को जो है वो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो है वो a और c की वैल्यूज़ भी 0 आ जाती हैं। किस तरह कि ये देखो, a प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, a माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो ऐड करो तो ये कैंसिल, 2a इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब a इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो a प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से c भी किसके इक्वल आ गया, 0 के। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो चारों वैल्यूज़ हैं a b c d ये 0 हैं, विच शोज़ दैट दीज वैक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स हैं। और यही हमें प्रूव करना था कि ये वैक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो वो हमने जो है वो इसको जो है वो प्रूव कर दिया। अब जो है वो हम इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के अंदर जो है ये तीन वैक्टर्स दिए गए, तीन हमें जो है वो दिए गए हैं, एक साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स है, और साइन एक्स माइनस कॉज एक्स है। तो हम क्या करेंगे, इनको चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम लेट कर लेते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो हम इसकी लीनियर कम्बिनेशन को कंसिडर करेंगे, तो वो क्या आएगी, ए इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी इंटू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फिर हमने ये करना है कि बेसिकली हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी सी की वैल्यूज़, अगर तीनों ज़ीरो आ जाती हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक भी नॉन ज़ीरो आती है तो लीनियरली डिपेंडेंट। अब अगर हम जो है वो वैल्यूज़ इसमें पुट करें, फॉर एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स को हम ज़ीरो पुट कर लेते हैं, पाई बाय टू पुट कर लेते हैं, और पाई, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएंगी, तीन इक्वेशंस, तीन अननोन हों, तीन इक्वेशंस चाहिए होती हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के वाले से। अब एक्स को आप ज़ीरो पुट करो तो ए साइन ज़ीरो प्लस बी साइन ज़ीरो प्लस कॉस ज़ीरो प्लस सी साइन ज़ीरो माइनस कॉस ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये साइन ज़ीरो तो ज़ीरो हो गया, और कॉस ज़ीरो वन होता है, यहाँ से आपके पास आ जाएगी b माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, एक रिलेशन आ गई, b माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, b माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गई। फिर हम जो है वो अब ज़ीरो की बजाय यहाँ पे क्या पुट करते हैं, पाई बाय टू पुट कर लेते हैं, इधर भी पाई बाय टू आ जाएगा, इधर भी पाई बाय टू आ जाएगा, इधर भी पाई बाय टू आ जाएगा, इधर भी पाई बाय टू आ जाएगा। अब साइन पाई बाय टू क्या होता है, वन होता है, तो ये ए इंटू वन, साइन पाई बाय टू वन, कॉस पाई बाय टू ज़ीरो, साइन पाई बाय टू वन और कॉस पाई बाय टू ज़ीरो। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गया ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो पाई को पुट करना है, तो मैं यहाँ से जो नीचे टू है उसको रिमूव कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा, और साइन पाई किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के, ये साइन पाई ज़ीरो, कॉस पाई जो है वो माइनस वन होता है, साइन पाई ज़ीरो और कॉस पाई जो है वो क्या होता है, माइनस वन होता है। इस बुनियाद पे ये स्टूडेंट्स बना ज़ीरो माइनस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया।
इसको हम सी कह लेते हैं। अब आप ये देखो, ये दो इक्वेशंस क्या हो गई हैं, इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन निकलेगा स्टूडेंट्स, वो आर्बिट्रेरी निकलेगा इन टर्म्स ऑफ सी निकलेगा। तो इस इक्वेशन से, ए इक्वेशन से अगर मैं देखूँ तो सी किसके इक्वल है, वो बी के इक्वल है, या दूसरे लफ्ज़ों में बी किसके इक्वल है, वो सी के इक्वल है। हम इन टर्म्स ऑफ सी जो है वो सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब इसको बी में पुट कर दें तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी की जगह पे सी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस टू सी। इसका मतलब अब हमारे पास जो पॉइंट बना वो क्या है, ए बी सी को हम लिख सकते हैं कि ये माइनस टू सी और सी और ये भी सी आएगा, और सी क्या है, आर्बिट्रेरी है, जो कि ज़ीरो नहीं भी हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, ये वेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं। अब हम जो है वो इसके फिफ्थ पार्ट को जो है वो सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हम इसके फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिए गए हैं तीन, तो इसको हम लिख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट ये क्या है, ई रेज टू पावर ए एक्स, ई रेज टू पावर बी एक्स, ई रेज टू पावर सी एक्स, और ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। अच्छा, अब ये देखें, ए बी सी क्योंकि यूज़ हुआ हुआ है तो हम अब अल्फ़ा बीटा गैमा जो है वो उसको कह लेते हैं कि वो आर को बिलोंग करता है, और इस बुनियाद पे हम जो है वो लीनियर कम्बिनेशन इसकी कंसिडर करेंगे। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अल्फ़ा ई रेज टू पावर ए एक्स, बीटा ई रेज टू पावर बी एक्स, गैमा ई रेज टू पावर सी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इससे हमने बेसिकली क्या करना है, तीन इक्वेशंस जो हैं वो लेके आनी है डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर। तो हम फॉर एक्स इज़ इक्वल टू, फॉर एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो वन माइनस वन, इसके ऊपर तीन वैल्यूज़, तीन इक्वेशंस जो है वो फाइंड कर लेते हैं। एक्स को ज़ीरो पुट करें तो अल्फ़ा ई रेज टू पावर ज़ीरो जो है वो क्या आ जाएगा, वन, प्लस बीटा ई रेज टू पावर ज़ीरो वन, प्लस गैमा ई रेज टू पावर ज़ीरो वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक रिलेशन आ गई। फिर हमने एक्स को वन पुट करना है तो ये अल्फ़ा ई रेज टू पावर ए प्लस बीटा ई रेज टू पावर बी प्लस गैमा ई रेज टू पावर सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। फिर हमने जो है वो एक्स को माइनस वन रिप्लेस करना है तो ये आ जाएगा अल्फ़ा ई रेज टू पावर माइनस ए, बीटा ई रेज टू पावर माइनस बी, गामा ई रेज टू पावर माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये इसको अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लें, इसको किस फॉर्म में लिख लें, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लें तो ये आसान हो जाएगा। किस तरह, ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा ये दो हैं वेक्टर्स, ठीक है, ये क्या, ये वन वन वन, ई रेज टू पावर ए, ई रेज टू पावर बी, ई रेज टू पावर सी, ई रेज टू पावर माइनस ए, ई रेज टू पावर माइनस बी, माइनस सी, ये मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू ज़ीरो 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 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एक होमोजीनियस सिस्टम बन गया है, ठीक है। अब हम इसके डिटर्मिनेंट को चेक करते हैं कि ये अगर हम लिखें ए एक्स इज इक्वल टू बी तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो किस, ए किसके इक्वल है, वन वन वन, ई रेज टू पावर ए, ई रेज टू पावर बी, ई रेज टू पावर सी, ई रेज टू पावर माइनस ए, ई रेज टू पावर माइनस बी, माइनस सी, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आता है या ज़ीरो के इक्वल नहीं आता। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन वन वन, ई रेज टू पावर ए, ई रेज टू पावर बी, ई रेज टू पावर सी, ई रेज टू पावर माइनस ए, ई रेज टू पावर माइनस बी, ई रेज टू पावर माइनस सी। अब हम इसके डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेते हैं। ये पहला एलिमेंट वन,
और साथ आ जाएगा ई रेज टू पावर बी, ई रेज टू पावर सी, ई रेज टू पावर माइनस बी, ई रेज टू पावर माइनस सी। माइनस वन इसके साथ आ जाएगा ई रेज टू पावर ए, ई रेज टू पावर सी, ई रेज टू पावर माइनस ए, ई रेज टू पावर माइनस सी। फिर आएगा वन ई रेज टू पावर ए, ई रेज टू पावर बी, ई रेज टू पावर माइनस ए, ई रेज टू पावर माइनस बी। अब हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेते हैं, ई रेज टू पावर बी, ई रेज टू पावर माइनस सी, माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी, ई रेज टू पावर सी। माइनस ये आ जाएगा ई रेज टू पावर ए, ई रेज टू पावर माइनस सी, माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए, ई रेज टू पावर सी। ई रेज टू पावर ए, ई रेज टू पावर माइनस बी, ई रेज टू पावर माइनस ए, ई रेज टू पावर बी। इसको आप जो है वो स्टूडेंट्स देखें तो ई रेज टू पावर ये भी माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ई रेज टू पावर बी और साथ जो है वो ई रेज टू पावर जो है वो क्या है माइनस सी, तो ये ई रेज टू पावर बी माइनस सी हो गया, ये ई रेज टू पावर सी माइनस बी आ गया, ई रेज टू पावर ए माइनस सी है, ई रेज टू पावर सी माइनस ए है, ई रेज टू पावर ए माइनस बी है, ई रेज टू पावर बी माइनस ए है। तो अब यहाँ पे ये देखें ए और बी सी जो है वो उसने कहा ये डिस्टिंक्ट है, ए बी सी क्या हैं डिस्टिंक्ट हैं। अगर ये ए बी सी जो है वो डिस्टिंक्ट हैं तो उस सूरत में हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा, क्योंकि इनकी कोई ना कोई जो है वो हमारे पास वैल्यू आएगी तो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो डिटर्मिनेंट क्योंकि ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इट हैव दी ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। सो इट हैज़ ठीक डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। दस द सिस्टम हैज़ दी ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ये जो सारे अल्फ़ा बीटा और गैमा हैं ये सिर्फ ज़ीरो को ही जो है वो सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या आ गया है नॉन ज़ीरो आ गया है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जिसके पांच पार्ट्स थे और इसमें हमने जस्ट ये डिटर्मन करना था कि जो वेक्टर्स हैं क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो वो हमने जो है वो फाइंड किए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।